मिश्रा जी, आपको मैं एक टीवी प्रोग्राम में सुन रहा था, क्योंकि मैं अब जहाँ जहाँ आप जाते हैं मैं आपका फॉलोअर हूँ अब, हाँ जी, तो मैं ऐसा आपको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो नहीं, इट इज अ आप यूपी इलेक्शन डिस्कस कर रहे थे, हाँ जी, जी। तो वो यूपी इलेक्शन के बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि क्या वहाँ की जो सिचुएशन है जी, वो किस किस्म की है? आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर प्रडिक्शन, आई एम जस्ट नहीं आस्किंग। नहीं नहीं आई विल टेल यू द प्रिडिक्शन। देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ द हेजिटेशन। अभी देखिए क्या है यहाँ पे, स्पेशली इलेक्शन में यूपी के, ये एक मिनी इंडिया का इलेक्शन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, सिचुएशंस बहुत तेजी से बदलती है, एक दिन एक हफ्ते पहले भी पूरी बाजी पलट जाती है। लेकिन अगर अभी की सिचुएशन देखें तो इसमें सबसे पहले रूलिंग पार्टी के लिए क्या है, इनके लिए चैलेंजेस चेंज हुए हैं और वो बहुत नेचुरल होता है। 5 साल जब कोई राज कर लेता है तो बहुत सारी उनकी कमियां भी सामने आती हैं, सक्सेस और फेल्योर भी आते हैं। हो सकता है सक्सेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा रहे हो, लेकिन फेल्योर कुछ ना कुछ तो होता है। 100% जो है निरपराध या दोष मुक्त या कमियों से मुक्त कोई भी आदमी नहीं हो सकता है, कोई भी राजा, कोई भी पार्टी नहीं हो सकती है। नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी भी होती है भाई। 2000 इसके पहले जब ये जीते थे 2017 में, तब भी तो वोट बीजेपी के विरोध में पड़े थे ना। ऐसा तो नहीं कि 100% वो वोट भी है, कुछ इनके जो अपने वोट बैंक है वो चीजें हो सकता है खसक जाए जो है। तो सवाल ये है कि सबसे बड़ा जो इसमें पहला पॉइंट है वो मैं ये बोलूंगा कि लोग बोलते हैं कि भाई विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मैं बोलता हूं नहीं, चुनौती विपक्ष के लिए नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए क्या है कि बीजेपी अपने पिछले जो है टारगेट को या रिजल्ट को मेंटेन कर पाती है कि नहीं, या कैसे करती है, यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि पीछे का बेंचमार्क या तो उतना अचीव करें, मेंटेन करें, या उससे एक्सीड करें। अब विपक्ष की हम बात करते हैं, विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि 5 साल में आई है। इसके पहले के चुनाव को उन्होंने बहुत हल्के में लिया था, लेकिन अब की बार मुझे विपक्ष थोड़ा सीरियस दिख रहा है और समीकरण भी कुछ अलग तरीके से बन रहे हैं यहाँ पे। देखिए, विपक्ष अगर सीरियस रहेगा तो विपक्ष अच्छा परफॉर्म करेगा। मुझे ये लगता है कि हो सकता है कुछ बेटर परफॉर्मेंस विपक्ष में कोई भी पार्टी बेटर परफॉर्मेंस कर जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। हालांकि बसपा अभी उतनी एक्टिव नहीं हुई है। अभी मैंने मायावती जी को देखा कि वो थोड़ा सा कुछ बोल रही थी, अभी थोड़ा टाइम है। मुझे ये लगता है कि विपक्ष अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मैं अभी भी ये मानने के लिए तैयार हूं आज की डेट में कि जो बीजेपी का किला है उसको भेदना बहुत मुश्किल काम होगा। उसके पीछे कारण है, कारण यह है कि जब आप सरकार में होते हैं तो आप मल्टीफोल्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, जब आप सरकार के बाहर होते हैं तो आप बड़े कमजोर होते हैं। उसके पीछे कारण है, आप सरकार में हैं, सरकारी मशीन का बेनिफिट आपको मिलता है, आप अपने प्रचार में अपने कामों को दिखा सकते हैं। भाई 5 साल काम किसने किया है, जो सरकार में है वही काम करता है। विपक्ष, अखिलेश यादव, मायावती तो 5 साल से गायब रही है, सरकार में थे ही नहीं। आप सरकार में हैं तो आपको एक ईंट रखने तक का अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी या मायावती जी से पूछ दिया जाए कि 5 साल में आपने क्या काम किया यूपी में बताइए, तो सरकार में नहीं है तो एक नाली तक बनाने का अधिकार नहीं है। तो ये एडेड एडवांटेज है जो कि पार्टी यूएसपी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। बीजेपी इसमें बड़ा माहिर है। अभी देखिए जब कैंपेन चलेगा ना तो बीजेपी बहुत इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करेगी, हमने ये किया, हमने वो किया, ये किया। बीजेपी विकास के मुद्दे पे और कुछ सेंसिटिव मुद्दों पे, साइकोलॉजिकल मुद्दों पे जो है इस गेम को जो है प्ले करेगी, इलेक्शन को जीतना चाहेगी। विपक्ष के पास क्या तोड़ है, अभी तक जो मैं विपक्ष की देख रहा हूं कैंपेनिंग, वो केवल क्रिटिसाइज कर रहे हैं। विपक्ष के पास एक ही काम रहता है कि जो सरकार है उसको क्रिटिसाइज करिए, वो भी ठीक तरीके से वो नहीं कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करने के बहाने जो है वो दुश्मन अपने ज्यादा बना लेते हैं। अब अगर विपक्ष ने अच्छा परफॉर्म किया, अभी इतना तो डॉक्टर साहब मान लीजिए कि अब इंडिया में जो पॉलिटिक्स है ना, माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो एक्यूरेसी की बात अब यहाँ पे शुरू हो गई है, कॉन्सेप्ट हो गया है। अब वो जमाने लग गए जब लालू प्रसाद यादव अपनी लाठी और भैंस लेके निकलते थे तो लोग उसी पे वोट दे देते थे, और अब वो जमाने भी लग गए कि जब मुलायम सिंह यादव साइकिल चलाते हुए निकलते थे तो पब्लिक को लगता था यार साइकिल तो मेरे पास भी है, ये मेरे बराबर का आदमी है, ये हमारा नेता है। वो जमाने लग गए। अब यहाँ पे पब्लिक और वोटर भी, पूरी जनरेशन चेंज हो गई है, वो इकोनॉमिक मुद्दों को समझती है, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स
समझती है, ग्लोबल इश्यूज को समझती है, तो इन माइक्रो लेवल की चीजों को जो मैनेज कर लेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लार्जेस्ट पार्टी या मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो बीजेपी के हैं। इतनी बड़ी या इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी डेवलप नहीं हो पाई है कि बीजेपी जो है बैकफुट पे चली जाए। कुछ कोशिशें की थी, जैसे मैं आपको बताऊं, आजमगढ़ के जो एक नेता है सुभाषपा के, हाँ, सुहेल देव भारतीय पार्टी के, उन्होंने बड़ी कोशिशें की इकट्ठा करने की, इकट्ठे हुए नहीं। इकट्ठे हुए तो एक हफ्ते के लिए इकट्ठे हुए, फिर टूट गए। उन्होंने तो 5 मुख्यमंत्री का उन्होंने ऑप्शन दिया था। उनकी रणनीति बहुत स्ट्रांग थी, मतलब बड़ा इनोवेटिव थी। हर साल एक मुख्यमंत्री बनाएंगे और हर साल 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो 10 उप मुख्यमंत्री देंगे और सारी पार्टियों को खुश करेंगे। तो जो बेसलेस मेकिंग ए कैस्टल इन एयर, हवाई किले बनाना, अभी आरएलडी और समाजवादी पार्टी की कोई घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन एक मंच पे दिखे ये लोग, हो सकता है एक हो जाए। अच्छा, बहन जी यानी मायावती एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं तो ये भी बोलता हूँ, वो भले ही एक्टिव कैंपेन ना करे लेकिन उनका वोट बैंक बहुत फिक्स है। उसको जो है वो शिफ्ट करना, उनके वोट बैंक को शिफ्ट करना, ये भी दिक्कत की चीज है। कुछ नेचुरल डिजास्टर से ये लोग कर देते हैं जो विपक्ष की पार्टियां हैं। ये एक ही डफली इनका है और एक ही राग है, ये बहुत इनोवेटिव नहीं है। अभी भी मैं देख रहा हूं, जो मुद्दे आज के 20 साल पहले थे वही मुद्दे विपक्ष की जो रीजनल पार्टियां हैं वही भी आज वही मुद्दे हैं, जबकि सिचुएशन चेंज हो गई है। इन विपक्ष की गलतियों को देखते हुए, देखिए मैं एक चीज और बताऊं, बीजेपी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, तो ठीक है, उनकी अपनी योग्यता है, नो डाउट, लेकिन विपक्ष की कमजोरियों के कारण बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलता है या वो फायदा उठा लेते हैं बड़े आसानी से। तो इस फैक्टर को देखना बहुत जरूरी है।